Hi everyone, let's do more examples based on topic continuity. So here we have one question. Find the value of p and q for which fx equals to, first of all see the function. When x is less than pi by 2, मतलब pi by 2 से अगर x को हम छोटा लेते हैं तो function is 1 minus sin cube x upon 3 cos square x. If x is pi by 2, function is p. And if x is greater than pi by 2, function is q into 1 minus sin x upon pi minus 2x square. So function is already continuous as you can see. So we will write function is continuous at x equals to pi by 2. Therefore, the left limit means pi by 2 negative fx equals to right limit means pi by 2 पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू जो कि पाई बाय टू पर हमें मिलती है, राइट. तो अब हम टर्न बाय टर्न यहाँ पर लिमिट्स निकालेंगे. सबसे पहले हम निकालने लगे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, हम निकालने लगे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू नेगेटिव. तो पाई बाय टू नेगेटिव पर आप फंक्शन देखोगे तो ये फंक्शन है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. और हमें इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व तो बाद में करते हैं, पहले इसको ठीक करके लिखते हैं हम. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू नेगेटिव. नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट बिकम्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस कॉस स्क्वायर आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर. And you know that 1 minus sin square is 1 minus sin x and 1 plus sin x, right? So this will be cancelled out. We will get only this 1 plus sin x plus sin square x upon 3 into 1 plus sin x, right? Now we will put x equals to, now put x equals to pi by 2 minus h, h approaches to 0, right? तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया है pi by 2 minus h, ठीक है. अब ये देखो sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is 90 minus theta is cos theta, cos h, cos square h upon 3 into 1 plus cos h. अब आप h को डायरेक्टली ज़ीरो पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे. यहाँ पर यू विल गेट 1 प्लस कॉस ज़ीरो कॉस ज़ीरो कॉस स्क्वायर ज़ीरो अपॉन 3 इंटू 1 प्लस कॉस ज़ीरो मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 1 टू 3 एंड 3 बाय 2, ठीक है. तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट, let me write it here, you will get 1 plus 1 plus 1 upon 3 into 1 plus 1, 3 by 3 into 2, answer is 1 by 2, right? तो ये हमारे पास जो left limit थी वो हमारे पास आ गई है 1 by 2. अब हम निकालेंगे right limit. Now students, अगर हम limit लेते हैं pi by 2 plus, pi by 2 plus means आपका जो function है वो ये वाला function होगा q into 1 minus sin x upon pi into 2x square. तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, तो सीधा ही हम डायरेक्ट पुट करते हैं, पुट x equals to pi by 2 plus h, h approaches to 0, right? तो ये हमारी लिमिट बनेगी, लिमिट x approaches to 0 q into 1 minus sin pi by 2 plus h upon pi into 2 into pi by 2 plus h whole square, right? तो अब sin 90 plus theta second quadrant, तो आपका ये हो जाएगा cos theta which is positive only h cos h upon pi minus 2 into pi by 2 plus h whole square. This is whole square, not square, whole square, right? अब आप h को पुट कर दो 0, ठीक है.
तो ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू इंटू वन माइनस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज़ वन, तो यहाँ पर भी ज़ीरो पुट करते हैं तो ये भी ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म ये बन गई है। तो यहाँ से देखो अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म है जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, कोशिश करोगे कोई फॉर्मूला लगाने की। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन दिस इज एज इट इज पाई माइनस टू टू कैंसिल पाई माइनस पाई माइनस टू एच होल स्क्वायर एंड लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर आप चेक करो तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका फोर एच स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के फॉर्मूले लगाएंगे, क्यू ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसको क्यू बाई टू को तो हम सेपरेट कर देते हैं, ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर एच बाई टू। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर एच बाई टू है तो यहाँ पर भी हमें एच बाई टू ही चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए फोर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर बनाना है ना, ये ऊपर स्केयर है तो नीचे भी स्केयर ही बनाना है, यहाँ पर तो स्केयर है मतलब फोर से मल्टीप्लाई करोगे, फोर से डिवाइड करोगे और इसको फिर दोबारा से आप लिखोगे। तो देखो बेटा यहाँ पर आपका स्केयर है मतलब एच स्केयर बाय फोर आपने बनाना है, तो एच स्केयर बाय फोर के लिए आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे, फोर से डिवाइड करोगे और ये जो टू और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई टू को मैंने सेपरेट कर दिया, मेरे पास सिर्फ बचा एच स्केयर, एच स्केयर को मैंने लिखा फोर इंटू डिवाइडेड बाई फोर, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, और ये फोर टू ज़ा एट, इसको सेपरेट ही कर लो, क्यू बाई एट लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू स्केयर, और इसकी लिमिट क्या होती है, प्लस वन में किया था ना फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन, तो यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो एच बाई टू है नीचे भी एच बाई टू है तो आंसर कितना होगा वन, मीन्स इसकी लिमिट आएगी आपके पास क्यू बाई एट, तो ये जो लिमिट थी ये हमारे पास आ गई है क्यू बाई एट, राइट। अब हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन की पाई बाई टू पर वैल्यू क्या है जो कि ऑलरेडी गिवन है विच इज़ इक्वल टू पी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया, देखो वन बाई टू इक्वल्स टू क्यू बाई एट इक्वल्स टू पी, सो वी गेट आफ्टर दिस वी गेट वन बाई टू लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट हमारी आई है क्यू बाई एट और फंक्शन की वैल्यू आई है पी, तो इनको हम कंपेरिजन कर लेते हैं, देयर फोर दिस इम्प्लाइज दैट वन बाई टू इक्वल्स टू पी क्यू बाई एट इक्वल्स टू वन बाई टू, जहाँ से आपको वैल्यूज़ मिलती हैं इनको कंपेयर करोगे तब भी आपको सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगी, तो पी की वैल्यू वन बाई टू आ गई है और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इक्वल्स टू फोर, तो हमें पी और क्यू ही फाइंड करना था, पी इक्वल्स टू वन बाई टू एंड क्यू इक्वल्स टू फोर। Now next question we have, for what value of a is the function fx equals to a sin pi by 2 x plus 1 is x is less than equal to 0 and tan x minus sin x upon x cube is x greater than 0 is continuous at x equals to 0. So again we are to find a constant और हमें जो limit दी हुई है वो दी हुई है x approaches to 0 negative fx equals to limit x approaches to 0 positive fx equals to f of 0. तो अब फिर हम negative, positive और ये constant की हम check करेंगे limits और तीनों को equate करने के बाद हम value निकालेंगे a की. तो सबसे पहले हम negative पर check करते हैं, limit x approaches to 0 negative. 0 से कम पर function जो है आपका है वो है a sin pi by 2 x plus 1. तो हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस एच, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए इंटू साइन पाई बाई टू
ज़ीरो माइनस एच प्लस वन। अब अगर आप डायरेक्ट ज़ीरो पुट करते हो तो ये बनेगा आपके पास ए साइन पाई बाय टू, साइन 90 इज वन, आंसर इज ए। तो आपके पास जो लेफ्ट लिमिट है वो आई है हमारे पास ए। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा जो फंक्शन है वो है टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगेन हम एक्स को पुट करेंगे ज़ीरो प्लस एच, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो टेन ज़ीरो प्लस एच माइनस साइन ज़ीरो प्लस एच अपॉन, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़ीरो पुट करने पर, हमें वही मिलेगा। सो स्टूडेंट ज़ीरो प्लस एच इज़ एच, तो मैं यहीं पर रिप्लेस करने लगी हूँ इसको। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो देखो मैं क्या करने लगी हूँ, टेन एच को मैं लिखने लगी हूँ साइन एच अपॉन कॉस एच, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ज़ीरो की वैल्यू पुट करोगे तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बन जाएगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद मैं लेने लगी हूँ साइन एच को कॉमन। नाउ यू कैन सी आई हैव टेकन साइन एच एज कॉमन, और ये जो एच क्यूब था इसको भी मैंने स्प्लिट किया एच इंटू एच स्क्वायर से, ठीक है। तो अब लिमिट ज़ीरो अप्रोच कर रहा है, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा वन, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं और जो बचेगा बस उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, हमारे पास सिर्फ ये बचा वन माइनस कॉस एच माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। टेक द एलसीएम, वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू कॉस एच। नाउ व्हाट इज़ वन माइनस कॉस एच, कॉस एच इज़ अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, टू साइन स्क्वायर एच बाय टू अपॉन एच स्क्वायर इंटू कॉस एच, ये देखो, ठीक है। अब इस टू और कॉस एच को हम करते हैं सेपरेट, और ये जो है साइन स्केयर एच बाय टू, तो मुझे यहाँ पर भी एच बाय फोर चाहिए क्योंकि स्केयर है ना, तो फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। और जब आप एच को ज़ीरो पुट करोगे कॉस ज़ीरो वन, तो ये तो क्वांटिटी आपकी आ गई टू, और यहाँ पर जो लिमिट बनेगी और टू और ये फोर सेपरेट कर लो, ये वाला फोर, सिर्फ आपने इसको उठाना है, साइन एच बाई टू एच बाई टू स्केयर। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा वन बाय टू, राइट। तो हमारी जो राइट लिमिट है, राइट लिमिट हमारी आ रही है वन बाय टू, और हमारी जो लेफ्ट लिमिट थी वो थी ए। तो ए की वैल्यू दोनों को कंपेयर करके ही डायरेक्ट ही आपकी ए की वैल्यू आ रही है वन बाय टू। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारी ए, राइट हैंड लिमिट थी वन बाय टू, देयरफॉर ए इक्वल्स टू वन बाय टू। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कॉन्टिन्यू द क्वेश्चंस of greatest integer function. Thank you.